आज उमरिया के लोग को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन जबरदस्त हो रहा है। हमारे वन भूमि में पट्टे 4 लाख पट्टे अभी तक निरस्त कर दिए गए, 6.5 लाख थे, 2.5 लाख दिए और 4 लाख पट्टे निरस्त कर दिए गए। ये आज उमरिया का हाल है। आज किसान का सत्यानाश, नौजवानों का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, व्यापारियों का सत्यानाश, ये आज चित्र प्रदेश का है। कानून व्यवस्था सत्यानाश, हमारी पोषण का सत्यानाश, गौवंश का सत्यानाश, ये आज प्रदेश की छवि है। और शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये मजाक, इतना बड़ा मजाक मध्य प्रदेश में सोचता हूँ हुआ नहीं। 18 साल का हिसाब वो थे, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते। जनता मेरी गवाह है, मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया उथल पुथल में। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर ये नहीं कि अचानक हो गया। मुझे पता था कि इतना इतना पैसा दिया जा रहा है, पर मैं कुर्सी के लिए सौदा नहीं करना चाहता था। और मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता था। तो जो मेरे पास समय बचा 11 महीने का, उसमें जो हुआ मेरी मध्य प्रदेश के मतदाता गवाह है। शिवराज सिंह जी ये नाटक नौटंकी जो कर रहे हैं, ये विकास यात्रा नहीं है, ये तो उनकी निकास यात्रा है। और जनता समझ रही है, मध्य प्रदेश में जो हमारे भोले भाले मतदाता हैं, भोले भाले हैं पर बहुत समझदार हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। जिनको हम ज्ञान देते थे पहले, वो आज हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। चलिए अब आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। वोट क्या, लोगों ने शिकायतें करी दिल्ली में, ना खुश थे, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी होल्ड में रखते हैं, इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन सट्टा काफी जोरों पर है, कांग्रेस का क्या? यह मध्य प्रदेश में कौन सा सट्टा जोरों में नहीं है? कौन सी शराब, घर घर में शराब दी, बेरोजगारी दी, ये इनकी उपलब्धि है? आप सट्टे की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा? बिल्कुल, हम रोक लगाएंगे, हम कानून बनाएंगे, हम अपने वचन पत्र। हाँ, हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा में आंकड़े पेश किए गए, 27 लाख पहली किस्त में। उसके बाद समय नहीं था, 11 महीने थे, दूसरी किस्त शुरू हुई थी, इन्होंने रोक दी। मेरा लक्ष्य था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए। कृषि क्षेत्र में हमारी मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, 70% किसान नहीं है, पर जो ट्रैक्टर चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो पंप की मरम्मत करता है, तो 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। आपकी घोषणा से बहुत सारे किसान डिफॉल्टर हो गए। क्यों, कि कैसे डिफॉल्ट? कर्ज क्योंकि मेरी गवर्नमेंट नहीं गई, तो उनको 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 तो दोष देना चाहिए बीजेपी को। उन्होंने क्यों बंद करी, क्यों बंद करी कर्ज माफी की मेरी योजना? किसानों की नाराजगी है इससे तो कांग्रेस की, बिल्कुल किसानों की नाराजगी नहीं है। किसान तो जो भटक रहा है, भटक रहा है बीज और खाद के लिए, आज जो न्याय के लिए भटक रहा है, सही मूल्य के लिए भटक रहा है। सबसे पीड़ित आज प्रदेश में हमारे नौजवान और किसान हैं। सर, आप सभी वोट में जा रहे हैं, आपका चेहरा क्या होगा मुख्यमंत्री के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस में उत्साह है, आज आप जनता को सही संबोधित करने? देखिए, ये मैंने खुद कहा है, अभी जो मैंडेट चल रहा है, इस समय जो चेहरे पे जो राजनीति हो रही है कि भावी मुख्यमंत्री। देखिए, ये कोई धारा लगाए मैं रोक नहीं सकता, पर मैं कोई पद के खोज में नहीं हूँ, मैंने ये खुद कहा है।
मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, वो केवल पद से नहीं होता। ये तो मैं खुद कहता हूँ, संविदा कर्मचारियों के लिए लगातार मांग कर रहे हो, धरने। बिल्कुल, मैंने संविदा कर्मचारी हुए, हमारी संविदा के हुए, हमारे आउटसोर्स वाले हुए। आज आउटसोर्स में कोई आरक्षण नहीं, कोई मिनिमम वेज नहीं, उल्टा जो आउटसोर्स का देता है वो तो कमीशन देता है, और वो कमीशन ऊपर तक जाती है जो ठेका लेता है आउटसोर्स का। ये भ्रष्टाचार की तो इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है, पैसे दो काम लो। इतना कर्ज लिया है मध्य प्रदेश ने, ये कर्ज किस लिए लिया है कि बड़े बड़े, आप इससे RTI में मंगाइए, बड़े बड़े ठेके दिए हैं सिंचाई के। ठेके देने का क्या मतलब, 25% एडवांस दो और उस एडवांस से अपनी कमीशन निकाल लो, वो योजना जाए बाढ़ में। इसलिए अधूरी योजनाएं मध्य प्रदेश में इतनी सारी हैं। जब मैंने इसका अध्ययन किया था कि ठेकेदार ने एडवांस तो ले लिया और 5 साल से काम बंद है, एडवांस लेके उसने कमीशन दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहन योजना की घोषणा की है, जिसमें प्रति महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा, इसमें कुछ कहना सर? ये घोषणा से, ये चुनाव के पहले ही सबकी घोषणा है और घोषणाएं करेंगे कि ये तो कहते हैं, खुद इन्होंने कहा है टेलीविजन में, मैंने खुद सुना है, हाँ, कि मैं घोषणा मशीन हूँ। पर जो बात ये नहीं कहते कि ये झूठ की मशीन पहले हैं। चलिए, सर, शिक्षा क्षेत्र से है, अभी हाल ही में 10वीं 12वीं एग्जाम होना है, इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्राइवेट सरकारी स्कूल को करने के लिए, अभी तक निःशुल्क एडमिट कार्ड दिया जा रहा था, अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 1000 रुपए डालिए तब एडमिट कार्ड दे दिया। दूसरी बात सर, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर मान्यता मिलती थी, इस साल से मध्य प्रदेश शासन ने 4 से 5 हजार पर ईयर ये कर दिया है, और कोई आदेश जल्द से जल्द लागू नहीं। बड़े दुख की बात है, इनका ध्यान हमारे अस्पतालों में नहीं है, स्कूल में नहीं है, शिक्षा में नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है, इनका ध्यान केवल कैसे पैसे निचोड़े जाएं, इस पर है।